हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामा एंड इवान। मैं हूं निशा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 6 महीने से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए एप्पल प्यूरी और पियर प्यूरी आपको कैसे बनाना है। फर्स्ट हम बनाएंगे एप्पल प्यूरी। एप्पल के अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये फिल्ड विद फाइबर है, इसमें विटामिन सी होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। पियर भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है और इवन ये कॉन्स्टिपेशन, अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एप्पल और पियर प्यूरी बनाना है। पियर प्यूरी बनाने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और ये दोनों फ्रूट्स को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इसकी स्किन को पील ऑफ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एप्पल को अच्छे से कट करके इसको पील ऑफ कर लिया है। इसी तरीके से हम पियर को भी, पियर की स्किन को भी पील ऑफ करके कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल को भी अलग स्किन निकाल के पील ऑफ कर लिया है और मैंने यहाँ पे पियर को भी पील ऑफ कर लिया है इसकी स्किन को। अब हम इसको स्मॉल क्यूब्स में कट करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने एप्पल को और पियर को दोनों को मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टीम करेंगे। मैं यहाँ पे इडली मेकर यूज कर रही हूँ स्टीमिंग के लिए। आप स्टीमर या किसी और प्रोसेस से स्टीम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। ध्यान रखिएगा पानी जो आप इसमें ऐड करें वो पीने वाला पानी यूज करें, क्योंकि ये हम प्यूरी बनाने में यूज करेंगे। अब हम इसके एक साइड में पियर डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक साइड यहाँ पे पियर यूज किया है और एक साइड एप्पल यूज किया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक साथ कर रही हूँ। आप एट अ टाइम जो भी प्यूरी बनाएंगे आप इस तरीके से आप स्टीम कर सकते हैं। अब मैं इसको लिड से बंद कर दूंगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लिड को हटा के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं, आप एक फोक की हेल्प से आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इजीली ये इसके अंदर जा रहा है और ये देखिए एप्पल भी यहाँ पे अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रूट्स को आप स्टीम ही कीजिएगा, बॉईल मत कीजिएगा, क्योंकि बॉईल करने से फ्रूट्स के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो अभी हम इसको 5 मिनट स्टीम दिया है मैंने। अब हम इसको ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, एप्पल जो है अब ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। आप ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर आप 9 मंथ से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, 8 या 9 मंथ के ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको यहीं पे आप मैश करके इस फॉर्म में दे सकते। ओके, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ओके, अब हम इसमें ना जो हमने स्टीम किया था वो पानी आपको फेंकना नहीं है, वो पानी हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा पानी आप यूज करेंगे इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। ओके, आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी एप्पल प्यूरी रेडी हो चुकी है 6 मंथ से ऊपर के बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वाटर और ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्मुला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस पियर भी ठंडे हो चुके हैं हमारे, पियर को भी हम ब्लेंड करेंगे। तो हम इसको जार में ट्रांसफर कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, पियर प्यूरी, पियर को भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप इसकी भी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने वाटर ऐड नहीं किया है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप वाटर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगी बाउल में। इसकी भी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, थिकनेस आप देख सकते हैं। 6 मंथ्स का बेबी इसको इजिली डाइजेस्ट कर पाएगा। आप चाहें अगर बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, ऑल्दो एप्पल और पियर दोनों ही स्वीट होते हैं बहुत, अगर स्टिल बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें फॉर्मुला मिल्क भी ऐड करके दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा एप्पल प्यूरी और पियर प्यूरी दोनों ही रेडी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब आइकन है, उसको क्लिक करके ग्रे कर दीजिए। और पास में ही एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो फ्यूचर में मैं जब भी वीडियोस डालूंगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।